लिए चलते जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल बोल रहे हैं। कार्यकर्ताओं को, समाजसेवियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने समय समय पर इस मिशन को आगे बढ़ाया और जिस माइस्ट्री गर्ल्स पब्लिक स्कूल का आज वार्षिक उत्सव है, उन स्कूल में भी करीब 4,500 छात्राएं पढ़ रही हैं एक साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस रूप में यह विद्यालय का मैनेजमेंट काम कर रहा है, जिस रूप में छात्राओं को प्रोत्साहन देने का काम किया जा रहा है, और मेरा प्रोग्राम था और जो गर्ल्स एक्सपेक्टेंट थी मैंने रोका बन के देखा पास आउट हो गई थी, वो उनमें के कई छात्र उत्सुक थे, वो अभी आई थी आपके सामने देखा, मुझे खुशी का इलाज कर रही थी क्योंकि शादियाँ हो गई, क्योंकि बच्चे हो गए, मैं इतना बता रही थी कि बच्चे भी हो गए, वो सब बाहर में आई हैं। तो मैंने कहा, मैंने कितना सुनाया कि मैं भी क्या है कि जब कभी जाता हूँ शादियों में तो दूल्हे का बाप होता है, वो कहता था आप मेरी शादी में आए थे, वो मुझे कहता आप मेरी शादी में भी आए थे, तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरी एज भी अब थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, पता नहीं पड़ता जिंदगी निकल जाती है काम करते करते ही, पर दूल्हा दुल्हन के बाप से सुनते हैं कि नहीं आप मेरी शादी में आए थे, तब मालूम पड़ता है कि मैं भी अब काफ़ी ज़्यादा सीनियर बन चुका हूँ। 2001 में आया तब भी समझ सकते हैं आप इस 17 साल पहले, तो मैंने खुशी है कि जयपुर के अंदर आपने अच्छा काम किया, और मैंने कहा क्यों नहीं आप DPS स्कूल की तरह फ्रेंचाइज देने लग जाओ पूरे प्रदेश के अंदर, इतना अच्छा आप काम कर रहे हो, मैत्री के नाम से ही अब मैत्री खाली जाति से सीमित नहीं रही है, मैत्री ब्रांड बन चुका, इस रूप में आपको काम करना चाहिए, DPS ब्रांड बन चुका है जो देश में भी है और देश के बाहर भी DPS स्कूल खोल रही है, तो जब कोई सक्सेस मिलती है तब जगह ब्रांड मिलता है, आप मैंने कहा है तो है, अभी तो आप बात को मेरे कमेंट के रूप में लिया है, हो सकता है कि वो दिन भी आएगा जब मैश्री के नाम से आप फ्रेंचाइज देने लग जाओगे, कहने को बहुत सारी बातें पर ज्योति खंडेलवाल ने आपको मेरा क्या हल्का कर दिया, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, मेरे दिल में क्या है, मैं क्या सोचता हूँ और क्या सोचना चाहिए व्यक्ति को, देश का भविष्य हमेशा युवा पीढ़ी पे होता है, आज जो छात्र हैं युवा हैं उनके ऊपर कल का भविष्य है, इसलिए जितनी अच्छी शिक्षा प्रणाली हमारी होगी, जितनी अच्छी शिक्षाएं होगी, विद्यालय में जिस प्रकार की एक्टिविटी होगी, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो कल्चर की हो, वो भी महत्व रखती है, इसके लिए डेवलपमेंट के लिए भी विश्वविद्यालय का जो सोच अभी भाई दीजिए बता रहे थे, मैं समझता हूँ अच्छी सोच है, आज के वक्त में सभी को सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, उनको अगर इसके डेवलपमेंट के माध्यम से अवसर मिले जिंदगी के अंदर तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आपकी सोच अच्छी है, सरकार का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा, आप निश्चिंत रहें, कोई कहने का व्यक्ति नहीं, कि विद्यालय के अंदर कॉलेजेस के अंदर जो छात्रों को अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है टीचर्स का, तो नशा पते की तरफ बहुत अग्रसर हो रहे हैं, जो चिंता का विषय बना हुआ है, ई सिगरेट, जयपुर के रेस्टोरेंट में हुक्का बार, युवा पीढ़ी जाती है, सरकार ने बहुत कड़े कदम उठाए, हुक्का बार को बंद किया है, हुक्का बार को बंद किया है, ई सिगरेट को ही रोक लगाई गई है, गुटखे पे पहले हमने रोक लगा दी थी, पिछली बार मैं अभी सोच रहा था कि मुझे जब मैं पहली बार आया था आपके यहाँ
तो मेरा वो पहला मुख्यमंत्री बनने का काल था। पर आज मुझे आपके सौभाग्य से, आप सबके दुआओं से, आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। तो दूसरी बार जब मैं था तो मुझे याद है कि हमें उक्का बार पे भी रोक लगा थी। आज भी ड्रग का प्रचलन बहुत ज्यादा है छात्राओं में, विश्वविद्यालय में, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर भी कई जगह 11-12 की स्टूडेंट के अंदर प्रचलन हो जाता है। तो मुझे खुशी है कि महेश्वरी गर्ल्स स्कूल और इनके जो जितने स्कूलें हैं वहाँ पर इसके बारे में विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ, यही होना चाहिए जो आप लोग कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि CBSE के कोर्स हो चाहे राजस्थान शिक्षा बोर्ड का कोर्स हो, अब मैंने सुना है आप लोग IB की तरफ बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल बोर्ड के माध्यम से परीक्षा करवाएंगे, उनका अपना एक स्थान है, अपना एक सोच है और उसको पूरा करना वाला कर्तव्य है। सरकार की तरफ से पूरे प्रयत्न किए जा रहे हैं कि राजस्थान जो पहले रेगिस्तान के इलाके हुआ करते थे, पिछड़ा हुआ राजस्थान था, आकाश होके पढ़ते रहते थे, यहाँ पर विकास हो नहीं पा रहा था, सारे साधन आकाश होकर मुकाबला करने में लगते थे, आज वो स्थिति नहीं है। आज राजस्थान बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में अब तो हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया, जब से कॉलेज बनाने के लिए, मेडिकल कॉलेज हो चाहे हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, उसके बाद अब तो एम्स हॉस्पिटल आ गए जोधपुर के अंदर, IIT आ गई, IIM उदयपुर में आ गया, IIIT कोटा में आ रही है। चारों ओर से शिक्षण संस्थाओं का जाल बिछ गया है, कोटा हब बन चुका है, कोटा में, जयपुर में, सीकर में, कई जगह ऐसी जहाँ पर बड़े रुपये कोचिंग क्लासेस चल रही हैं। मैं चाहूँगा कि महेश्वरी समाज और महेश्वरी स्कूल के मैनेजमेंट के तमाम जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि आगे आके वो कोचिंग क्लास के काम भी कुछ हाथ में लें, क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि हम करीब 1000 बच्चों को फ्री बिना फीस लिए हुए उनको हम लोग सुविधा दे रहे हैं स्कूल के अंदर। एक तरफ भारत सरकार ने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे प्राइम मिनिस्टर और सोनिया गांधी जी थे चेयरपर्सन UPA की, तब जो कानून बने दिल्ली के अंदर लोकसभा के अंदर संसद में, वो बहुत ही बेमिसाल थे, चाहे वो सूचना का अधिकार के कानून हो, ऐतिहासिक था पूरे विश्व के लिए, चाहे फूड सिक्योरिटी का कानून हो, चाहे रोजगार का कानून नरेगा के माध्यम से, पर साथ में RTE शिक्षा का अधिकार के कानून बनाना एक ऐतिहासिक फैसला था। वो फैसला भी हुआ RTE का, आज पूरे देश के अंदर शिक्षा का अधिकार सबको मिला हुआ है, उसके माध्यम से कुछ छात्र सुविधा प्राप्त करते हैं स्कूलों के अंदर। पर बाईती जी बता रहे थे उसके अलावा भी 1000 बच्चों को आप दे रहे हो शिक्षा, फ्री एजुकेशन। मैं समझता हूँ ये आपका बहुत बड़ी सोच है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि समाज में कई लोग आर्थिक रूप से कमजोर भी होते हैं, कई बार उसके अभाव के अंदर कोई परिवार अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है। और मैंने हमेशा जोड़ दिया है और एक दावा दिया था मैंने पहले टर्म में मुख्यमंत्री था तब, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। फिर मैंने उसको बढ़ाया दूसरे टर्म में, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, बेटी बचाओ। बेटी बचाओ का मैं तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है, कई कड़े कानून बने हुए हैं, तभी कई बार भ्रूण हत्या हो जाती है। सरकार की ये इच्छा शक्ति है कि राजस्थान में
बेटी बचाने का काम बड़े रूप में हो, लड़कियों की महिलाओं को पूरी सुरक्षा मिले। जो घटनाएं होती समाज के अंदर, दुर्भाग्य से देश में प्रदेश में कई बार बलात्कार भी और उत्पीड़न भी, दहेज प्रथा के रूप में शिकायतें भी, उसके लिए सरकार पूरी तरह ध्यान रखती है कि कैसे हम उस पर रोक सकें। पूरी तरह रोकना संभव भी नहीं होता है, पर सरकार की इच्छा शक्ति जो मैं बता रहा हूँ वही है। हम चाहेंगे कि राजस्थान में लड़कियों की शिक्षा को भी बराबर का अधिकार मिले। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको, पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री था, मुझे आंकड़े पूरे याद नहीं अभी, तो बहुत कम शिक्षा थी लड़कियों की राजस्थान के अंदर। आज वो स्थिति नहीं, बहुत बड़ा जंप हो चुका है राजनीति। इस रूप में हम चाहेंगे कि लड़कियों की शिक्षा को पूरी तरह प्रोत्साहन मिले और राजस्थान की लड़कियां पीछे नहीं रहे देश के अंदर। इसलिए मैंने कहा और कई कदम ऐसे उठा चुकी सरकारें, आपको याद होगा मैंने भी कहा आपको, शिक्षा का अधिकार आरटीई कानून बन गया है, पार्लियामेंट गया था। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे नौजवान, तब उन्होंने पहली बार आरक्षण दिया महिलाओं को, 73-74 अमेंडमेंट करके संविधान के अंदर। बड़ा कदम था, क्रांतिकारी कदम था कि महिलाओं की भागीदारी हो सत्ता के अंदर। उसके पहले कानूनी था, आज से मिला महिलाओं को इतनी, ज्योति खंडेलवाल को मेयर बनने का अवसर मिलता है। अगर वो कानूनी होता तो शायद वो नहीं मिलता इनको, क्योंकि आरक्षण मिल गया महिलाओं को गांव में, वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान, पति प्रधान, प्रमुख, मेयर, सभापति। ये राजीव गांधी की सोच थी, महिलाओं को आरक्षण मिले जिससे कि महिला भी भागीदारी निभाए देश के शासन के अंदर। उस वक्त जब फैसला हुआ तो पाकिस्तान का एक इकोनॉमिस्ट था, उसने एक आर्टिकल लिखा कि राजीव गांधी का बहुत बड़ा फैसला है इस देश के लिए, भविष्य के लिए। जो आधी आबादी महिलाओं की होती है, उनको अधिकार देना सत्ता के अंदर बड़ा अहम फैसला था, उसका लाभ मिला। मैं घूंघट की बात तो करूँ अभी भी, जिसके लिए अभी ज्योति खंडेलवाल ने कहा, पर घूंघट कई जगह हट चुके अपना आप। एक तो शिक्षा के साथ में घूंघट हटता है, हम अगर शिक्षा भी जोड़ देंगे, हर परिवार में लड़का लड़की पढ़ाई करे, पढ़ाई के बगैर जीवन में अंधेरा है। राजीव गांधी के सपनों के अनुरूप आज कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन दुनिया मुट्ठी में है, सारी जानकारी गूगल के माध्यम से मिल सकती है आपको। जमाना ही आ चुका है, जो पढ़ लिख जाते महिलाएं बच्चे वो घूंघटे निकालती है। इस रूप में जो गांव की सरपंच बनती थी पहले, तो घूंघट में रहती थी सरपंच बनने के बाद में भी, और हम लोग मीटिंग में जाते थे, उनके पति आगे हमारे साथ बैठते थे मीटिंग के अंदर। मीटिंग के बाद मालूम पड़ता कि ये सरपंच ये नहीं है, इनकी पत्नी है। तो हमने कहा आप तो, आप सरपंच का, आप तो सरपंच, आप ऊपर कैसे बैठ गए, आपकी पत्नी नीचे बैठी हुई है। कह रहे मैं सरपंच पति हूं। तो मैंने कहा आप नई पोस्ट बना दी आपने, सरपंच पति, प्रधान पति, प्रमुख पति। पर धीरे धीरे मैंने देखा वही महिलाएं जो घूंघट निकालती थी सरपंच के रूप में, धीरे धीरे कहने लगे अपने पति को, आप जाओ घर पे, मैं मीटिंग संभाल लूंगी अपना, और घूंघट हट गया। एक तो वो क्रांतिकारी फैसले थे जिसके कारण घूंघट हटे हैं, एक शिक्षा के साथ में हटते हैं। फिर भी आप जानते हो कि इतने बड़े प्रदेश के अंदर, गांवों में, ढाणियों में, शहरों में भी कई परिवार ऐसे हैं जो आज भी घूंघट रखवाते हैं। इसलिए आज मैंने जब सुबह कहा तो ज्योति खंडेलवाल को मैं कह रहा हूं कि ये राजीव गांधी का सपना था कि आग ऊपर बैठी हुई है और शरद खंडेलवाल नीचे बैठा हुआ है।
ये उनका सपना है, वो पूरा हो, वरना वरना आप वहां बैठते हो, ये नीचे बैठी रहती है। अब तो आप कहीं बनाओ क्या मतलब है, जो बैठा दिया उसको देश। ये है महिला सशक्तिकरण के उदाहरण, ज्योति खंडेलवाल विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री के साथ बैठी हुई है, पतिदेव नीचे बैठी हुई है। घूंघट का अभियान चलाना चाहिए, मैं आह्वान करना चाहूंगा आपके मन से भी, एक भी परिवार में घूंघट नहीं रहे। घूंघट में कब तक आप महिलाओं को कैद करोगे, ये समझ के परे हैं। परिवार का विकास रुक जाता है, वो महिला में प्रतिभा होती है, हर व्यक्ति में, चाहे पुरुष हो या महिला हो, लड़का हो या लड़की हो, टैलेंट होता कोई न कोई, उसको आप समाप्त कर देते। तो आप चाहिए कि आप घूंघट वाला काम हम हटाने का काम करें, और ज्योति खंडेलवाल जैसे नेता हैं उनको आगे आना चाहिए इस काम के लिए। महिला खुद आगे आए, और पुरुषों को भी मैं कहना चाहूंगा जो सामाजिक कार्यकर्ता भी है, संदेश का काम करें परिवारों में, इस काम को आप गंभीरता से लें, मामूली काम नहीं है। सोनिया गांधी हमारे नेता जो है, वो तो पिछले 15-20 साल लगी हुई है कि पार्लियामेंट के अंदर भी और विधानसभा में भी महिलाओं को 30% आरक्षण मिलना चाहिए, 30%। आप सोच सकते हैं कि माहौल बना है देश के अंदर, अब तो तमाम पोलिटिकल पार्टी के अंदर लग गई है, हम तैयार हैं, और फिर भी वो कानून अभी तक बन नहीं पा रहा है, कभी ना कभी बन के रहेगा। तो मैं इस मुबारक मौके पर लंबी बात नहीं कहता हुआ, मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और मैं हाजिर हूँ आपके बीच में दूसरी बार इस स्कूल के लिए। मुझे खुशी है कि आपकी सोच जो है बहुत प्रगतिशील सोच है, प्रगतिशील सोच है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं इस क्षेत्र में। और जब मैं आपको कह चुका हूँ कि आप निश्चिंत रहें, सरकार की तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं आए, जिस सुझाव आप देंगे उनको हम लोग पूरा करेंगे। ये बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। शिक्षा से पुष्पित बच्चों की फुलवारी। तो माहेश्वरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल का ये वार्षिक उत्सव है, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, और आप तस्वीरें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने मंच से संबोधित हुए महिला सशक्तिकरण और घूंघट प्रथा को लेकर साफ तौर पर कहा कि महिलाओं को आगे लाने की पूरी कोशिश उनकी सरकार कर रही है, और घूंघट प्रथा में कब तक आप बांध कर रखोगे महिलाओं को, सबके भीतर टैलेंट होता है, उसको आगे लाने के लिए इस प्रथा को खत्म करना होगा। बहरहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम बच्चियों को सम्मानित किया जा रहा है जो अव्वल आई है, और ये मुख्यमंत्री की तरफ से ये तस्वीर आप देख सकते हैं,